यूट्यूब की टाइम टाइम पर कृपा बरसती रहती है। और बात करें कल की, तो ऑनर 8X और रियलमी 2 प्रो के कंपैरिजन में एरर आने के कारण वीडियो को डिलीट करना पड़ा था, पर खैर वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी आई थी कि ऑनर 8X और रियलमी 2 प्रो दोनों के बीच में आपको हार्डकोर कंपैरिजन चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको हार्डकोर कंपैरिजन ही करने वाला, दोनों फोन्स के बीच में एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला, क्या कुछ देखने को मिलता है फोन्स के अंदर। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए कहानी की तरह, पर आपका जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे, जितने भी पॉइंट मेरे दिमाग में आए, मैंने सारे के सारे एक ही वीडियो में आपके डाल दिए हैं। और आपका बहुत ज़्यादा कम चांस होगा आपके दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। तो रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो खैर स्टार्टिंग हमने फिजिकल ओवरव्यू से कर लेते हैं ऑनर 8X से। यहाँ पर आपको 6.5 इंच स्क्रीन देखने को मिलती है, थोड़ी बड़ी, और आपकी बड़ी स्क्रीन है तो उसकी वजह से आपका पिक्सल पर इंच कम बैठ जाती है। इन आपको 396 PPI देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं, आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है, पर इसमें बाकी एनहांसमेंट करी गई स्क्रीन के अंदर जो आपकी क्वालिटी को हल्का सा आपके स्क्रीन को बढ़ा देती है, और फिर भी आपकी प्रोटेक्शन स्पेसिफाइड अभी तक नहीं देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें, फोन आपका पतला देखने को मिलता है, 7.8 mm मोटा फोन आपका हल्का भी है, 175 ग्राम्स का। और इसके अलावा मेटल की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, यानी फ्रेमिंग। उसके अलावा ग्लास बॉडी देखने को मिलती है पूरी, यानी ओरिजिनल ग्लास देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और उसके अलावा बात करें रियलमी 2 प्रो को, तो 6.3 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है, यानी थोड़ी सी छोटी देखने को मिल जाती है आपके ऑनर 8X से। उसके अलावा बताते हैं स्क्रीन की टेक्नोलॉजी आपको सेम देखने को मिलती है, IPS डिस्प्ले ही है। उसके अलावा स्क्रीन छोटी है थोड़ी सी, तो आपका पिक्सल पर इंच ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी 409 की PPI। यहाँ तक का फोन थोड़ा सा मोटा देखने को मिल जाता है, 8.5 mm मोटा। उसके बाद बात करें वजन की, तो 174 ग्राम्स आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दी गई है, लगभग 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बुरा मानने की बात नहीं है, पर आपकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार मिलती है आपको रियलमी 2 प्रो में। आपका दिखता तो अच्छा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बेकार है। पॉलीकार्बोनेट की फ्रेमिंग दी गई है, आपके ग्लास की फिनिश दी गई है, आपका प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। अगर आपने 2-2.5 महीने अगर यूज कर लिया बिना बैक कवर के, तो आपके स्क्रैच डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा स्क्रैच और ड्रॉप टेस्ट आप दोनों फोन के जाकर देख सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा। पर ये भी आपकी प्रैक्टिकल बात है कि आपके बिना बैक करके कोई भी फोन को यूज नहीं करता, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हार्डवेयर की, ऑनर 8X में आपको नए जमाने का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 12 nm प्रोसेसर, आपका क्रीन 710 आपका 2.2 GHz पर आपका वर्क करता है। और आपका नए जमाने का आपको फायदा ये देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जब आपका गेम लोड करोगे कोई सा, या फिर आपका वीडियो रेंडर वगैरह करोगे, तो आपकी वो चीज आपकी फास्ट होगी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कैट 12 LTE मॉडल यहाँ पर देखने को मिलता है। पर बात करें इंडिया की, तो आपको कैट 6 या फिर कैट 12 से ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा बात कर लेते हैं GPU की, तो माली G51 MP4 GPU देखने को मिलता है यहाँ पर, और GPU के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है यहाँ पर फोन, आपके गेम वगैरह यहाँ पर लैग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको GPU टर्बो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। एक चीज आपको नहीं पता होगी आपको बता दूं, जितनी भी गेम होती है एप्लीकेशन होती है उन्हें आपके अड्रीनो के लिए आपको ऑप्टिमाइज करा जाता है, पर बात करें ऑनर क्योंकि अपने खुद की चिप बनाती है यहाँ पर, उन्हें अपना GPU टर्बो टेक्नोलॉजी को बाकी गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम दो कंपनी को, आगे आने वाले समय में आपकी GPU टर्बो टेक्नोलॉजी भी अच्छे से काम करने लगेगी, पर बात करें फिलहाल की तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें Realme 2 Pro की, तो Snapdragon 660 देखने को मिलता है यहाँ पर, आपका 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है 14 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, पर आपको Cat 6 LTE मॉडल देखने को मिलता है फोन के अंदर, जिससे कोई मैंने बताया कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। पर आपका पुराना प्रोसेसर होने के बावजूद एक अच्छी चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपका ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट थोड़ी मजबूत देखने को मिल जाती है, अच्छी देखने को मिल जाती है Adreno 512। यहाँ पर आपको पबजी वगैरह में ऑनर 8X जितना लैग देखने को नहीं मिल रहा है। चलो बात करें स्टोरेज वेरिएंट्स की, ऑनर 8X में देखने को मिलता है 4/64, 6/64 और 6/128 GB। और चलो कुछ लोगों ने यहाँ पर पूछा था UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है यहाँ पर, तो बता दो आपको देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर, आपको EMMC ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक चीज बता दूं, आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, 400 GB तक बढ़ा सकते हैं। वैसे आपको 64 GB वाला वारंटी रिकमेंड करता हूं हमेशा मैं। और इसके अलावा बात करें ऑनर 8X की, तो लगभग आपको 53 GB खाली देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा बात करें डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का वर्जन थोड़ा सा पुराना है यानी 4.2, OTG वर्क करेगा यहाँ पर, आपका 3.5 जैक भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। यहाँ पर आपका NFC देखने को नहीं मिलता इंडियन वेरिएंट में, आपको चाइनीज वेरिएंट में देखने को मिलता था। और इसके अलावा बात करें रियलमी 2 प्रो की, तो आपको 4/64, 6/64 और 8/128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट वेरिएंट पर आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलती है। उसका डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, OTG देखने को मिल जाता है, 3.5 जैक तो है ही। उसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 देखने को मिलता है, थोड़ा अच्छा है, यानी आपकी थोड़ी सी बैटरी यहाँ पर आपके कम खर्च होगी जब ब्लूटूथ यूज करोगे। और इसके अलावा बैटरी की बात करें ऑनर 8X के अंदर 3750 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलता है, 9W 2A का ही देखने को मिलता है, और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, और माइक्रो SD देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात करें डुअल सिम है, डुअल वोल्टेज देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा बात करें रियलमी 2 प्रो की, तो आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 9W 2A देखने को मिल जाता है चार्जर बॉक्स के अंदर, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा बात करें डुअल वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है
जाता है। उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी अंदर देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, FM रेडियो नहीं देखने को मिलता है आपका रियलमी 2 प्रो में, जबकि आपका ऑनर 8X में देखने को मिलता है, जो बहुत यहाँ पर अच्छी चीज़ बन जाती है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, दो कैमराज देखने को मिलते हैं ऑनर 8X के अंदर पीछे की तरह। पहला आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का F1.8 एपर्चर के साथ, उसके बाद दूसरा वाला कैमरा को देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का। और उसके यहाँ पर आपको सोनी IMX350 सेंसर देखने को मिलता है, पर यहाँ पर कोई सवाल आता है सेंसर का नाम तो बता दिया पर हमें आइडिया कैसे लगेगा, तो आइडिया के लिए आपको बता दूं OnePlus 5 का सेकेंडरी कैमरा में यही सेंसर देखने को मिलता था। और उसके लिए यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलती है, EIS भी देखने को नहीं मिलती है, पर ये दोनों चीज अपडेट से आ सकती हैं, पर खैर अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है ये मोड, बिल्कुल डार्क में भी बहुत अच्छी यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज मिल जाती है भरपाई के लिए, फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। उसके अलावा S.265 का भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है 480 फ्रेम्स पर सेकंड में। एक चीज आपको नहीं बताई होगी किसी ने यहाँ पर, जब आप 480 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्ड करोगे तो आपकी फुल HD में नहीं बल्कि HD में रिकॉर्डिंग होगी, पर खैर फिर भी आपको सुपर स्लो मोशन देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज देखने को मिल जाती है। उसके टाइमलेस देखने को मिल जाता है, मैनुअल मोड देखने को मिल जाता है कंप्लीटली, फोकस एक्सपोजर सबके सब सेट कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी कमाल के फीचर्स रहते हैं ऑनर की कैमरा ऐप में, वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा बात करें रियलमी 2 प्रो की, उसमें भी दो कैमरा देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ। आपको पहला कैमरा देखने को मिलता है 16MP का F1.7 एपर्चर के साथ, उसके बाद दूसरा कैमरा का 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सोनी IMX398 सेंसर देखने को मिलता है, और ये सेंसर आपको OnePlus 5 के प्राइमरी कैमरा में देखा गया था। यहाँ पर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है फुल HD तक, और 4K में नहीं देखने को मिल जाती, नॉर्मल सी बात है क्योंकि आपके स्नैपड्रैगन 845 वाले फोन में भी देखने को नहीं मिलती है ज्यादातर। पर यहाँ पर आपको बता दूं फुल HD में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते 60 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। यहाँ पर आपका स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको मैनुअल मोड देखने को मिलता है कंप्लीटली, फोकस वगैरह सब कर सकते हो, टाइमलेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा बाकी जो एयर स्टिकर्स वगैरह रहते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा बीच में रोककर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज याद से लाइक कर देना, आपके लाइक करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। और उसके अलावा बात कर ले फ्रंट कैमरे की, ऑनर 8X में बेहतरीन देखने को मिलता है 60MP का कैमरा, F2.0 एपर्चर देखने को यहाँ पर मिलता है, ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है, 2 micron pixel साइज यहाँ पर देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। उसके अलावा आपको HDR देखने को मिल जाता है फ्रंट के अंदर, नाइट मोड आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाता है, सेल्फी डार्क में अच्छी ले सकते हो, यानी कहने का मतलब यह है अगर आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो ऑनर 8X आपका डेफिनेट आपका होने वाला है। इसके बैक कैमरे की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके ऑनर 8X में AI का बहुत अच्छा काम करा गया है, आपको असली में AI के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर AI या फिर पोर्ट्रेट मोड में अगर फोटो क्लिक कर लेते हो तो बाद में उसे नॉर्मल फोटो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज आपको बता दूं, नहीं पता होगी, ऑनर 8X के फ्रंट कैमरा से सिर्फ और सिर्फ HD तक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वहीं बात करें रियलमी 2 प्रो की, तो आपके सामने की तरफ 60MP का कैमरा देखने को मिलता है, F2.0 एपर्चर देखने को मिलता है, सेंसर यहाँ पर नहीं बताया गया कंपनी के द्वारा, आप यहाँ पर फुल HD तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट से भी, पर यहाँ पर का फ्रंट कैमरा बिल्कुल बेकार कर दिया गया है, एक्सपोजर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और ये सारा कमाल का बेकार के ब्यूटिफिकेशन देने के चक्कर में किया गया है। पर खैर इस चीज का ठीक होना आपका अपडेट पर डिपेंड करता है, पर फिलहाल जो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। और उसके बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, तो इमोशन UI देखने को मिलता है आपको ऑनर 8X के अंदर, डुअल एप्स देखने को मिल जाती है, ऐप लॉक देखने को मिल जाती है, उसके बाद जितनी भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है बटन वगैरह की सब देखने को मिल जाती है। और उसके बता दो आपको LED नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है दो, आपका एक ग्रीन लाइट जलेगी और दूसरी येलो, यानी जब आपकी मिस कॉल वगैरह आएगी या फिर आप चार्जिंग वगैरह करोगे या फिर लो बैटरी होगी उस समय आपकी काम आएगी। इसके अलावा बता दो आपको 4D गेम यहाँ पर देखने को मिल जाती है, शॉक्स देखने को मिल जाते हैं, ऐसा बता दो कुछ खास चीज नहीं है, आपका फोन का वाइब्रेटर जो होता है वाइब्रेशन वाला सेंसर वो आपको इनेबल कर दिया जाता है कुछ कुछ मूवमेंट्स पर। वैसे एक चीज बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है ऑनर 8X के अंदर, इसके आपको वाइड 1L1 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी आपका ऑनर 1000 रुपए महंगा देता है तो यहाँ पर खर्चा भी करा गया है, यानी जो पेड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट होते हैं उन्हें HD या फुल HD में भी आप स्ट्रीम कर सकते हो, और बिलीव मी बहुत सारे लोगों के लिए चीज मैटर करती है, हो सकता है आपके लिए ना करती हो। और इसके अलावा बात करें कलर वाइज देखने को मिलता है रियलमी 2 प्रो के अंदर, यहाँ पर आपको ऐप लॉक वगैरह देखने को मिल जाते हैं जितनी भी चीजें होती हैं, और उसके अलावा डबल टैप टू वेकअप वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कहने का मतलब फंक्शन के मामले में कलर वाइज बुरा नहीं है, यहाँ पर आपको बुराई थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन में है, आपकी थोड़ी सी कमी आपके स्टेबिलिटी में है। वैसे एक चीज आपको बता दूं, आपको ड्री ड्रॉप नॉइस देखने को मिलती है यहाँ पर, तो ऐसे में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये चीज भी हो सकता है आपके लिए मैटर ना करे, पर बिल्ली पे ये चीज तो सच में बहुत ज्यादा लोगों के लिए मैटर करती है, यानी बहुत ज्यादा लोगों को नोटिफिकेशन LED लाइट की जरूरत होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको L3 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी आपके शॉमी वगैरह जैसे करते हैं थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप
आपको ऑनलाइन पेड स्ट्रीमिंग कंटेंट HD या फिर फुल HD में देखने की सहूलियत नहीं देते हैं। और बिल्ली में इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज से आपका फर्क पड़ता है। और इसके अलावा बाकी चीजों की यहाँ पर बात की जाए तो लगभग सेम देखने को मिलती है। यानी अगर कंक्लूजन की यहाँ पर बात की जाए तो फ्रंट कैमरा अगर आपको चाहिए और आपको थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम चाहिए देखने में, अगर बैटरी हल्की से ज्यादा चाहिए आपको तो आपके लिए ऑनर 8X होने वाला है। वहीं बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आपको बैक कैमरा बेहतरीन चाहिए, चला नॉच अगर पसंद नहीं है, अगर ड्रू ड्रॉप नॉच चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग चाहिए, तो आपके लिए रियलमी 2 प्रो होने वाला है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं रियलमी 2 प्रो की तरफ जाऊंगा क्योंकि रियलमी 2 प्रो की जो अच्छाइयां हैं वो मेरे लिए मैटर करती है, बस एक चीज को छोड़कर कि इसमें आपको LED नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। और इसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हो, अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए बाकी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल याद से दबा देना। इसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली प्लीज़ लाइक कर देना यहाँ से बिना भूले बिना कंजूसी दिखाए। इसके लिए चैनल पर रेगुलर हो, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, लाइक कर देना, बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो। मिलता हूँ स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड देन बाय।